अरे ये खाने का क्या तरीका है? चरकुताई को खाना खाना है। इस तरह देखची से क्यों खा रहे हो? क्या पहाड़ पे रहते थे पहले? मेरी तरफ देखो, जानते भी हो कि कौन हूं मैं। तू वही पागल आई गोलो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ये कब लिया बताओ मुझे, वापस करो। मेरा नाम चरकुताई है, मैं हमेशा चीजें चुराता हूँ। मेरे सामने जो रखा हो वो नहीं खाता मैं, मुझे ढूंढ के खाना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें इस सब पे फखर है? मैं पहाड़ों पे नहीं रहता, मैं जंगलों में रहता था। मैं गीदड़ों के साथ पड़ा हुआ हूं। हद है। क्या आप नाराज हैं कि मैंने आपको पागल कहा? अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो ये हाथ काट दूंगी तुम्हारा, खबरदार कर रही हूं तुम्हें। हाँ कमाल औरत है। मेरी तरफ आओ, आओ मेरी तरफ और मेरी तलवार का मजा चखो। हार मान लो। अहमद से भाई, मैं अपने हथियार डालता हूँ मैं। अहमद से भाई जिंदाबाद। अहमद, उस्मान साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब नीचे उतरो। थोड़ा और आगे लेकर चले ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अब तुम बड़े सिपाही बन गए हो, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, नीचे उतरो। तुम्हें अकल आई गई आखिर? क्या मतलब?
इससे पहले तो तुम्हारे कंधों पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें दिमाग हो। हाँ चलो, जब मैं अकलमंद बनना चाहूंगा तो मैं अपने कंधों पर अहमद को उठा लूंगा। और तुम क्या करोगी पागल आइगुल? बहुत मजाया लगा तुम्हें नन्हे सिपाही। हाँ क्योंकि तुम्हारी बात पे अहमद खुश हुआ इसलिए तुम्हें इस दफा माफ कर देती हूँ। अहमद सिपाही और तुम जाओ अपने बहन भाइयों के साथ खेलो। क्या बात है, सब ठीक है? तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या हमारे नबी भी मुझे माफ कर देंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम चोरी करना छोड़ दोगे? एक आम चीज है जिसे मैंने चुराना है, शायद उसके बाद छोड़ दूंगा। वो क्या है? पागल। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं ही उस्मान साहब को तोहफतन दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो तुम देख लेना। चलो चलता हूं। सिपाहियों, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, बताओ मेरे पीछे। आहिस्ता चलो, कहीं गिर नहीं जाना। आहिस्ता, मैं हार मानता हूं, मेरे पीछे मत आओ, बताओ मेरे पीछे, बताओ मेरे पीछे, छोड़ दो मुझे। भागने नहीं देना इसे। अब मुझे जाना होगा, मेरे पीछे मत आओ। ऐसे मत चीखो फजूल में, मुझे तकलीफ हो रही है। अब मैंने वाकई तुम्हें तकलीफ दी है ना? इस तरह मुझे क्यों देख रहे? चौधरी के चांद का अक्स जब मेरी तलवार में आता है तो मेरी तलवार ऐसे चमकती है। कैसे चमकती है? तुम्हारी आंखों की तरह। भाई सुंगुर,
दोबारा कोशिश करो। हुजूर, इंतजार कर रहे हैं हुजूर। वो लोग हमें यहां भूखा मारना चाहते हैं। हमें यहां से निकलना होगा। हमें दुमरुल का इंतकाम लेना है उनसे। हुजूर, अगर वो चारों तरफ फैले हुए न होते तो हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से निकल सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो भाई सुंगुर, ठीक कह रहे हो। अब क्या सोच रहे हो? तुम बगैर बताए किसी को कैसे जा सकते हो? ये किस किस्म का सिपाही है? हाय पागल लड़के, हाय। कहां रह सकता है वो? चेरकुटाए आ गया। कहां थे तुम? हमारे पास हथियार है और उसे इस्तेमाल करने वाला आदमी भी। इसमें क्या है? भूखा नहीं रह सकता। चलो तुम लोग खाओ, तुम लोगों को अपनी ताकत बहाल करने की जरूरत है। भाई सुंगुर, जाओ तुम भी खाओ। सुभान अल्लाह। शुक्रिया बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैंने तिल खा लिया था लेकिन दोबारा भूख लग रही है। तुम्हें दोबारा भूख लग रही है? ये लो,
तुम्हें अभी लड़ना है, तुम्हें कुव्वत बहाल करने की जरूरत है। क्या जरकोताई भूखा रहेगा? जरकोताई के साथ रहने वाले कभी भूखा नहीं रह सकते, खासकर खासकर खास करके तुम। ये लो पागल लड़की, खा लो ये। मैं मजाक कर रही थी, भूख नहीं लग रही। नहीं, इशारा मिल गया है। निकोला करीब पहुंच गए। चलो उन्हें इत्तला देते हैं। चलो। भाई मेरी मदद करो, तुम जिंदा रहोगे जरकोताई। सूची, तुमने मेरी जान बचाई। बात क्या है? जब से वो मंगोल पकड़ा गया है तुम्हारी अजीब हरकतें हो गई हैं। सुराग रसाई के दौरान मुझे मेरे बचपन याद आ गया, जब मैं जंगल में रहा करता था। तुम्हें अपना बचपन याद आ गया या फिर बालगाई के साथ मिलकर लड़ने वाले दिन याद आ गए? अब खामोश क्यों है इस तरह, बोलते क्यों नहीं हो? मैं कीदड़ों के साथ पड़ा हुआ हूं। कीदड़ों पे काबू नहीं पाया जा सकता, जंगल मुझे बुला रहा है। मेरे दिल में आवाजें आ रही हैं, जरकोताए आ जाओ, आ जाओ जरकोताए, बुला रही हैं मुझे। तो क्या चले जाओगे? अगर कोई कहे जरकोताई ने सबको बेवकूफ बनाया है, यकीन कर लोगी? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा आयकुल। क्या मतलब है तुम्हारा?
जब चौधरी के चांद की रोशनी का अक्स मेरी तलवार पर पड़ता है तो उसकी चमक तुम्हारी आंखों जैसी होती है। लेकिन लेकिन जरकोताय को जंगल याद आ रहा है। जाओ फिर यहां से। अब तुम इस तरह गर्म पानी चुराओगे जरकोताय? मुझे गर्म पानी की जरूरत है। गर्म पानी क्यों चाहिए तुम्हें? सिपाही सवाल नहीं करते। जरकोताय, दरवेश यूनुस का कहना है हम फसल की तरह कट जाएंगे, हम कटते जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे जब हमारे शोहदा जमीन पर गिरते हैं तो हम और बढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम कम हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट जाओ पागल लड़की, मैं नहीं बताऊंगा। दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये पानी किस लिए है? मैं नहीं बता सकता। जयकोताय, बताओ मुझे पानी क्यों चाहिए? वुजू के लिए। क्या वाकई? ये बताओ क्या सिपाही वुजू के लिए पानी उबालते हैं? जवाब दो जयकोताय। ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तुम गाजियों के सरदार बामसी साहब का इस कदर ख्याल रखते हो? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवान मर्द, तुम कलिमाए शहादत पढ़ने में क्यों देर कर रहे हो?
मैं जालिम हूं। मैंने जुल्म किया है। मैंने बहुत से लोगों को मारा है। मैंने औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है। मैंने जुल्म किया है। मैंने बेगुनाहों पर जुल्म किया है। मैं बहुत जालिम हूं। मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। मैं नबी के आगे शर्मिंदा हूं। मैं उनके अल्लाह से डरता हूं। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। तौबा जहर को शहद बना देती है, कांटों को गुलाब बना देती है। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मुयस्सर है। मैं आऊंगा। खुशियों के साथ साथ दुख में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इंशाल्लाह। तुम इस्लाम और काई के लायक बच्चों की परवरिश करोगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख। इंशाल्लाह। मेरे भाई, हमारा बोरहान सिपाही बहुत खुश लग रहा है। हाँ मेरे भाई, क्या हम भी ऐसे नहीं थे? बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान गाजी, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए मेरे भाई। अल्लाह हमें इस तवील रास्ते के इख्तिताम पर शहादत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे खाजी। इंशाल्लाह। आमीन।
क्या बात है पागल लड़की, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? और तुम सिपाहियों के साथ क्यों नहीं हो? गोकतोक बुरान के साथ है, बामसी साहब अब्दुल रहमान गाजी के साथ है, और मैं। और तुम? मैं अपनी तरह का कोई पागल ढूंढ रहा हूं। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ऐसी बातें ना करो। मैंने आपसे कहा था ना हुजूर, एक जंगजू की मोहब्बत उसकी तलवार होती है। ये जंग सब जंगों से मुश्किल है जयगुताए, ये सबसे मुश्किल जंग है। तुम जिस कर्म से गुजर रही हो यह सिर्फ तुम जानती हो, मैं नहीं जान सकता। मुझे तो मां बाप के चेहरे भी याद नहीं। मां का क्या मतलब है, बाप किसे कहते हैं, मैं कभी नहीं जानता था। काश मैं कभी ना जानती ये सब। मेरी मां को उस नापाक गजल खातून ने मार डाला। मैं महीनों तक इस खेमे में उसके साथ रही और दूसरा शख्स जो इस खेमे में रहता था, यानी मेरे पापा, उन्हें भी मार डालेंगे उस्मान साहब, क्योंकि वो गद्दार हैं। तुम ठीक कहते थे चरकुताए, जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं ही जानती हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, हालांकि मैं नहीं जानता कि नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन अगर तुम अपना दिल बहलाना चाहो बेहतर जानते हो मुझे चरकुताए।
पापा की वजह से जो कुछ खो दिया उसके बारे में सोच रही हूँ। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो अपने कबीले के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मोहब्बत में नहीं रो रही उनकी, शर्मिंदगी से रो रही हूँ। कुछ लोगों को उनके वालिद के नाम से याद किया जाता है क्योंकि उनके अलावा उनका कोई नहीं होता, वो कुछ नहीं होते। मैंने उस्मान साहब को कहते सुना है, तुम क्लोजा हिसार की गाजी आयकुल खातून हो, तुम कई जंगजू खावतीन की बहादुर सरबरा हो, और तुम मेरे लिए दुंदार साहब की बेटी नहीं हो। कौन हूं मैं? तुम एक पागल लड़की हो। मैं भी ऐसा ही हूं, मेरे मां बाप को कोई नहीं जानता। लोग मुझे बचपन से ही लकड़बग्गों के साथ बड़ा होने वाला जरकुताए कहा करते थे, फिर डाकू जरकुताए, फिर कमांडर जरकुताए, और अब मैं काई कबीले का सिपाही हूं। मैं पहले भी जरकुताए था, बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल लड़की। तुम हमेशा से आईकुल थी है, और तुम हमेशा रहोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अकलमंदी की बातें करोगे। तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले मैं इसे बर्बाद कर दूं। यह अच्छा होगा। और हां, वो नहीं, रहने दो, नहीं रह सकता ये कहे बगैर के। अपना ख्याल रखना। आशिक कभी नहीं मरते, नहीं मरते आशिक कभी। सच्चे इश्क वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है। फजूल बातें मत करो, तुम वापस अपने लिए आए हो। ठीक होने का ये मतलब नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। अब तुम्हें जड़ी बूटियों को मुसलसल उबाल कर पीते रहना होगा। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाल्लाह, पहले तुम अपनी बातों से दिलों को शिफा याब करते थे, और अब इन माहिर हाथों से दवाई भी देने लगी हो। खामोश, कौन सी महारत देख ली तुमने मुझ में? हाँ, दोबारा ऐसी बात कभी मुझसे मत करना। या मेरे खुदा, सारे ताजिर अकलमंद होते हैं। बस मेरे हिस्से में
या फिर पागल या गद्दार। या अल्लाह मुझे सब्र दे। काम आसान हो तुम्हारा। शुक्रिया। आईगुल साहिबा कहाँ है तुम्हें मालूम है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यही तो हूं मैं। उस आईगुल को ढूंढ रहा हूं जिसके हाथों में तलवार होती है और वो दुश्मन पर कहर बन के टूटती है हमेशा, और अकेले ही गालिब आ जाती है दुश्मन पर। किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ये खंजर मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे खंजर से बहुत पहले ही तुम्हारी बहादुर नजरों ने मुझे मार डाला है पागल लड़की। जानती हो ये क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? क्या है ये? फूल है, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या वाकई में? अब जो शख्स तुम्हें ये दे तो उसे कुछ होता है? क्या होता है जरकुताई? कुछ होता है। यही तो पूछा है, क्या होता है जरकुताई? जब तुमसे एक बात बोली नहीं जा रही तो रोका हुआ क्यों है मुझे यहां? हटो रास्ते से मेरे। तुम नहीं समझोगी। वाह, मोहब्बत क्या चीज होती है। कायनात घूमती है और वो दीवाना हो जाता है। एक ही सांस में शाबाश इंशाल्लाह। आई गुल साहिबा। जरकुताई,
क्या बात है? कल मैंने तुम्हें गुलाब का हसीन फूल दिया था। उस फूल में एक रास है। अगर कोई शख्स ऐसा गुलाब का फूल किसी खातून को दे तो उसे अपने राज से पर्दा चाक करना होगा। तो अब मैं उस राज से पर्दा उठा रहा हूं। मेरी हो जाओ पागल लड़की। ये राज तुम पर और मुझ पर बहुत भारी है। जेर कुताई, तुमने राज से पर्दा उठा दिया। जेर कुताई, तुम बहादुर हो। जेर कुताई, तुमने मोहब्बत को आसान समझा था। इसका मजा उठाना आसान है लेकिन मोहब्बत में जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल है। यह मोहब्बत है जेर कुताई, कई बादशाहों को ताकतवर बना चुकी है। ये आशिक के गले पड़ती है तो गुलाम बना देती है। ये अपनी मोहब्बत को कभी मत छोड़ना। इसकी नरमी और गजब को कबूल करना हूं, इसी में मोहब्बत की कामयाबी है। अपनी मोहब्बत से मुंह मत मोड़ो। मोहब्बत को कभी मत छोड़ना। मोहब्बत में जलो जेर कुताए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आई गुल खातून, मैं अंदर आ गया। पागल लड़की, तुम कहां हो? तुम कहां हो पागल लड़की? बनाया हुआ तुमने? हाँ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या खेमा भूल गए हो अपना? यहां क्या कर रहे हो इस वक्त जरकुताई?
तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं कल सुबह नए वजीफे पर जाऊंगा। मैं चाहता था कि जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं। मैं कानों में अंधेरे में काम करते हैं, वहां ये पत्थर देखा, ये अंधेरे में बहुत चमक रहा था, इससे मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम भी इस पत्थर की तरह हो, तुमने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। चरकुताए, चलो कह दो ये इंतजार अब काफी नहीं है, निकलो यहाँ से। अगर तुम हाँ कह दो। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं हरगिज नहीं कहूँ। तुम नहीं कहोगी? जाओ। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गार मेरे ऊपर गिर जाएगा और आप हमेशा के लिए खुद को मुजरिम महसूस करेंगी। आप कहेंगी कि काश मैंने चरकुताए को हाँ कह दी होती। नहीं कहूंगी, हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत गड़बड़ कर दी, अब मुझे वो ठीक करने दो। चलो निकलो। आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। जा तो रहा हूँ मैं। जाओ। मैं जा रहा हूँ। पागल, बिल्कुल पागल है। सालतुक ने मुझे बताया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जरकुताए, ये खाना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए आयगुल खातून। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इनकार करते हुए नहीं सुना। चलो थोड़ा सा खा लो ये। मेरे भाई को काफिरों ने पकड़ लिया तो जरकुताए कैसे खा सकता है? वो क्या कर रहे होंगे मेरे भाई के साथ? वो बुरहान को असीयत दे रहे होंगे। जरकुताए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुमने कहा था जरकुताए एक पहाड़ है जिसे कोई तूफान, आंधी या जलजला नहीं हिला सकता। अब तुम्हें एक अजीम पहाड़ की तरह मजबूत खड़े होना होगा। मुझे तुम पर एतबार है। तुम उनसे अपना इंतकाम लोगे और बुरान भाई को जिंदा वापस लेकर आओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ ऐसा ही है। चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। जरकुताए, बुरान भाई इस वक्त काफिरों की कैद में है। ये वक्त नहीं है इस बात का। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। गुंजा के बाद मैं सोच रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा तुम मुस्कान में मर गए होगे। मैं कबीले में आए और शहीदों को देखा।
मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मौत बहुत करीब हो जैसे, ये शायद बहुत दूर हो, कुछ पता नहीं। क्या कह रही हो पागल लड़की? दुनिया मुख्तसर सी है, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था ना। कैसा सवाल? मैंने कब पूछा तुमसे? अब और इंतजार नहीं करवाओ। किस लिए? चलो शादी कर लेते हैं। क्या तुम संजीदा हो पागल लड़की? हाँ संजीदा हूँ पागल आदमी। मैं अंदर आ सकता हूँ? राज हल हो गया। आशिक बिलाखिर एक दूसरे को मिल ही गए। इश्क का राज सबर है। तुमने बिलाखिर राज को हल कर लिया। <laughs>